ने हमें मतलब हम उसको माने या ना माने, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो डेवलप कर रहा है अपना, ताकि वो अपने आप को दुनिया के सामने पेश करें कि हम भी चाइना की तरह जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हम इम्पोर्टेंट एक रुकन है। कि जो शंघाई है उसके पास अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा नहीं है। अब चाइना की जो शंघाई की गवर्नमेंट है उन्होंने मंदिरों से पैसे मांगे कि भैया थोड़े से पैसे। पाकिस्तान को तो लिफ्ट नहीं कराई जाती या पाकिस्तान को ये समझा जाता है कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन इंडिया अपने फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर रहा है, ये बात मानने वाली है मुझे इस चीज से। मैं आई कैन सी दिस, नजर आ रहा है कि इंडिया बेसिकली इट्स टेलिंग अ गिविंग अ लेसन कि हम ये कर सकते हैं। भारत ने हमें मतलब हम उसको माने या ना माने, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो डेवलप कर रहा है अपना, ताकि वो अपने आप को दुनिया के सामने पेश करें कि हम भी चाइना की तरह जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हम इम्पोर्टेंट एक रुकन है, या इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है। क्योंकि अमेरिका के बड़े खदशात हैं, क्योंकि अमेरिका ने अगर आप देखिए तो पिछले 30-20 सालों में बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है वो शिफ्ट की है, बिल्कुल और चाइना एक ग्लोबल वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब था, कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं थी जो चाइना में ना बनती हो। ऐसा तो ही है। अब जो है मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अमेरिका को शायद ये रियलाइजेशन हो गई है, शायद ये यकीनन ये हो गई है कि हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है चीन के ऊपर, तो थोड़ा सा और ममालिक की जानिब भी हम शिफ्ट करते हैं। तो कुछ शिफ्ट हुआ भी है, मिसाल के वियतनाम वगैरह जो ममालिक हैं वहाँ पे से भी हो रहा है, ताइवान भी को बहुत कुछ गया है, सेमी कंडक्टर्स, ताइवान इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, कंट्री तो नहीं मतलब तो चाइना का हिस्सा ही है हमारे है ख्याल में। चाइना की जो डंका है वो बोलता है पूरी दुनिया में, लेकिन साथ में जो खबर थी कि जो शंघाई है उसके पास अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा नहीं है। वैसे तो जितनी भी लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसके पास कहीं भी चाइना के अंदर पैसा नहीं है, सारी डेट के अंदर है, पैसा वापस नहीं कर पा रहे। भारत के अंदर भी आपने देखा होगा कि जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास भी हमेशा ही बजट कम होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, चाइना के अंदर भी यही हाल है। अब चाइना की जो शंघाई की गवर्नमेंट है उन्होंने मंदिरों से पैसे मांगे कि भैया थोड़े से पैसे, उधार नहीं मांगा है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे चाहिए, अब सारे जो मंदिर हैं वहां से पैसा इकट्ठा करके हमें पैसा दिया जाए। और खबर ये आई कि 100 बिलियन युआन यानी कि $15 बिलियन से ज्यादा पैसा शंघाई को दे दिया गया है मंदिरों ने पैसा इकट्ठा करके। लेकिन आपके दिमाग में क्या ये बात नहीं आई होगी कि चाइना में तो मंदिर तोड़ दिए गए थे, मंदिरों में लोग जाते नहीं हैं, रिलीजन फॉलो कर नहीं सकते, तो ये 100 बिलियन आया कहाँ से, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता लगा कि पहले तो गवर्नमेंट ने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन जब लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि यार अब गवर्नमेंट जो है वो मंदिरों से पैसा लेकर चलेगी क्या, तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ये फेक न्यूज थी, ये कुछ भी इसका रियलिटी से लेना देना नहीं है, और जिसने ये फेक न्यूज स्प्रेड करी है उसे टांग दिया जाएगा। और यहां पर ऐसा ही होता है, पहले किडनियां निकाल लेते हैं उसके बाद उसको टांग देते हैं। तो अब ये फेक न्यूज है कि एक्चुअल न्यूज है ये वक्त बताएगा, लेकिन यहां पर हल्ला बहुत ज्यादा हो गया है कि गवर्नमेंट अब मंत्रों से पैसे लेकर अपनी गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश कर रही है, यानी कि द गवर्नमेंट इज बैंकरप्ट। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत चीन की जगह ले सकता है या चीन के मुकाबले में आ सकता है? अभी उसमें बहुत वक्त है, अभी भी जो मल्टी नेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं वो समझते हैं कि जो चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर लिया है, भारत अभी वहाँ पहुँचा नहीं है। इस वक्त भारत में ऑब्वियसली एक भारत दुनिया के नक्शे पे एक ऐसी कुव्वत है जिसको लोग देख रहे हैं कि चाइना पे अगर हम अपनी डिपेंडेंस कम करते हैं और ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं तो भारत भी एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम वो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आईफोन है या टेस्ला वगैरह हैं, और भी बहुत सी मल्टीनेशनल्स हैं जो ये सोच रही हैं कि भारत में हम जाके इन्वेस्ट करें। हालांकि पाकिस्तान भी ये ऑफर कर सकता था, सच्ची बात ये है, अगर हमारे यहाँ थोड़ा सा ये सियासी इस्तेहकाम होता,
हमारी पॉलिसीज कुछ बेहतर होती हैं। पाकिस्तान को तो लिफ्ट नहीं कराई जाती या पाकिस्तान को ये समझा जाता है कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन इंडिया अपने फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर रहा है, ये बात मानने वाली है मुझे इस चीज से। मैं आई कैन सी दिस, नजर आ रहा है कि इंडिया बेसिकली इज टेलिंग गिविंग अ लेसन कि हम ये कर सकते हैं। देखिए इससे क्या होता है, वन इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नंबर दो इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नंबर दो इंडियन अवाम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इंडिया क्या क्या कर सकता है। इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की कंसाइनमेंट रोक सकता है। आज सुबह या पता नहीं कब वो चला होगा, मैं एक इंडियन टेलीविजन पे था और वहाँ पर मैंने ये इस टॉपिक पर बात की थी, एक चाइनीज भी थे और भी कुछ लोग मौजूद थे, तो उस पर हमने डिस्कशन हुई और मेरा उसमें मौकफ जारी बात आई मुख्तलिफ था। मैं उन्हें कह रहा था कि जो आप सोच रहे हैं वैसे नहीं है। बहरहाल तो अपनी अवाम को, हुकूमत को कॉन्फिडेंस मिलता है, देन इंडिया टारगेट करेगा इंटरनेशनल ऑडियंस को। फॉर एग्जांपल जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसको बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है, देखें हमें शक पड़ा, देखें हमने अलर्ट कर दिया। ये होता है कि आपने कोई चीज़ आपके हाथ आई, आपने सायरन बजा दिए, पाया जाने थी एक एक्टिविटी हो रही है, इधर ये हो सकता है, उधर वो हो सकता है, फलां हो सकता है, डमकान हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग, ये चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। आपने मंदिरों से पैसा भारत में भी लिया जाता है लेकिन किसी भी अच्छे काम के लिए नहीं लगाया जाता। चाइना में अगर लिया गया है, पहली बात तो ये गवर्नमेंट ने बोल दिया फेक न्यूज़ है, अगर फेक ना भी हुई तो भी पैसा तरक्की के लिए लगेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो जिसने भी अगर फेक न्यूज है, जिसने फेक न्यूज स्प्रेड किया होगा, उसे टांग दिया जाएगा। भारत में हम रोज देखते हैं कि इसकी जो फेक न्यूज स्प्रेड करने वाले हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। और यही रीजन है कि राहुल गांधी जैसा आदमी पार्लियामेंट में खड़े होकर ओपनली झूठ बोलता है और उसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। और अगर कहीं केस हुआ भी तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिन, पहले ही घंटे में बेल भी दे देगी। जब ऐसा सिस्टम होगा, इसलिए भारत में कोई चीज चलती नहीं है और भारत चाइना में कोई चीज रुकती नहीं। तो पता लगा कि पहले तो गवर्नमेंट ने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन जब लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि यार अब गवर्नमेंट जो है वो मंदिरों से पैसा लेकर चलेगी क्या, तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ये फेक न्यूज थी, ये कुछ भी इसका रियलिटी से लेना देना नहीं है और जिसने ये फेक न्यूज स्प्रेड करी है उसे टांग दिया जाएगा। और यहां पर ऐसा ही होता है, पहले किडनियां निकाल लेते हैं उसके बाद उसको टांग देते हैं। तो अब ये फेक न्यूज है कि एक्चुअल न्यूज है, ये वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर हल्ला बहुत ज्यादा हो गया है कि गवर्नमेंट अब मंत्रियों से पैसे लेकर अपनी गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश कर रही है, यानी कि द गवर्नमेंट इज बैंकरप्ट। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।